नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। नमस्कार, मैं हूं श्वेता जया पांडे और शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में तमाम खबरें। सचिन पायलट की कांग्रेस से हो सकती है छुट्टी, एआईसीसी जल्द कर सकता है इसका ऐलान, सोनिया गांधी की सहमति के बाद हो सकता है फैसला। उप मुख्यमंत्री पद और राजस्थान अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट का ट्वीट, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया, विश्वेश्वर सिंह को और रमेश मीणा भी मंत्री पद से बर्खास्त। गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बनाए गए राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष, विधायक गणेश गोगरा होंगे यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, हेम सिंह शेखावत होंगे सेवादल के नए प्रदेश मुख्य संगठक। अशोक गहलोत ने की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात, मंत्रिमंडल में हुए बदलाव की जानकारी भी दी। राजस्थान में जयपुर के होटल फेयर माउंट में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 102 विधायकों के समर्थन में होने का किया दावा, सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक रहे गैरहाजिर। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, बीजेपी ने साजिश के तहत राजस्थान सरकार को अस्थिर किया, चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश की गई, धन सत्ता का किया गया गलत इस्तेमाल, विधायकों को खरीदने और हरियाणा में कैद करने का। सचिन पायलट पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, कांग्रेस ने कई बार पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, 40 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी, वो बीजेपी की साजिश में फंस गए जो किसी दल को स्वीकार नहीं होगा। अशोक गहलोत और पायलट अपने समर्थक विधायकों को एकजुट करने में जुटे हैं, सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को दी चुनौती, बहुमत है तो विधानसभा में साबित करें। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल के लिए बीजेपी और सचिन पायलट की आलोचना की, आंकड़ों के साथ किया हमला। सीएम अशोक गहलोत ने के करीबियों पर आज भी जयपुर, दिल्ली और मुंबई में 33 जगहों पर इनकम टैक्स का रेड, काली कमाई और अवैध निवेश के सबूत मिलने का दावा। राजस्थान में सियासी संकट के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट, उद्धव ने शरद पवार के साथ लंबी बातचीत की, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट भी रहे मौजूद। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ट्वीट से उछला प्रियंका वाड्रा के बंगले का मुद्दा, लिखा एक पावरफुल नेता ने फोन कर 35 लोधी स्टेट बंगला दूसरे कांग्रेसी सांसद को अलॉट करने की मांग की ताकि प्रियंका उसमें रह सके। सरकारी बंगले को लेकर पीएम से अनुरोध की खबर को प्रियंका ने बताया फेक न्यूज, कहा 1 अगस्त से पहले खाली कर दूंगी आवास। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का दावा, विकास दुबे के घर से पुलिस से लूटी गई AK-47 और इंसास राइफल बरामद, AK-47 के 17 और इंसास के 20 कारतूस भी बरामद, बिकरू में सरकारी हथियार लूटे गए थे। बिकरू गांव मुठभेड़ में 21 आरोपी शामिल थे, 6 मारे गए। लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिला विकास के लखनऊ के कृष्णनगर वाले घर के अवैध होने का दस्तावेज, पत्नी ऋचा दुबे समेत 4 को अवैध निर्माण का नोटिस जारी, 15 दिन में देना होगा जवाब। धारा 27 के तहत जारी की गई नोटिस, जवाब नहीं आने पर विकास दुबे का लखनऊ वाला घर गिराने की कार्रवाई होगी शुरू, 6000 वर्ग फीट का है भूखंड जिसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के विवादित बयान पर यूपी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एतराज जताया है, कहा है ओली जी को मालूम होना चाहिए कि नेपाल भी पूर्व में भारत का ही हिस्सा रहा है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की आई पीएम रिपोर्ट, रिपोर्ट में आत्महत्या की बात आई सामने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा का रिजल्ट आएगा कल, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। भारत में कोरोना का कहर जारी, देश में 9,06,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की तादाद, जबकि अब तक 23,727 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,497 नए मरीज मिले हैं जबकि 193 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,60,000 के पार, राज्य में कोरोना से अब तक 10,482 लोगों की मौत।
मुंबई में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 94,146 हुआ। 24 घंटे में कोरोना के 47 लोगों की मौत। अब तक 5,335 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,13,000 के पार पहुंचा, जबकि अब तक 3,411 लोगों की हुई मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,664 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 38,000 के पार पहुंच गया है। इनमें से 12,972 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। कोरोना में अब तक 955 लोगों की जान गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 71 नए मरीज मिले। राज्य में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 3,608 हुआ। कोरोना से अब तक 49 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 8,178 पहुंचा, जबकि राज्य में कोरोना से अब तक 204 लोगों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 902 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 42,808 हुआ। कोरोना से अब तक 2,057 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,959 हुई, जबकि राज्य में मरने वालों की संख्या 160 तक पहुंची। रिकवरी रेट करीब 71%। बेंगलुरु में आज रात 8 बजे से लॉकडाउन। लोगों को घर के भीतर रहने की हिदायत दी गई। फिलहाल एक सप्ताह के लिए होगा लॉकडाउन। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,42,798 हुआ, जबकि राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या 2,032 तक पहुंची। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर तमिलनाडु सरकार ने 31 जुलाई तक बस सेवा पर लगाई रोक। इससे पहले 15 जुलाई तक के लिए रोकी गई थी बस सेवा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में कोरोना के 1,935 नए मरीज मिले हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में 24 घंटे में सामने आए 60,000 कोरोना के नए मरीज। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जारी किए गए आंकड़े। 24 घंटे में चीन में भी कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले 12 जुलाई को आए थे 8 मामले। चीन का दावा, सभी मरीज विदेश से आए। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर ने किया ट्वीट। बच्चन परिवार के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी का प्लान बी तैयार। संगठन विस्तार की तैयारी में वीडी शर्मा जल्द कर सकते हैं अपनी टीम की घोषणा। खाली पड़े निगम मंडलों और आयोगों के पदों पर नियुक्ति की तैयारी। छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति। बीजेपी के बड़े नेताओं को हराने वाले विधायकों को दी गई तरजीह। एमपी की दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा बनेंगी भिंडी की रोशनी भदौरिया। महिला बाल विकास विभाग ने किया ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला। 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाती थी रोशनी। 10वीं में हासिल किए 95.5% नंबर। 20 अगस्त से शुरू हो सकता है यूपी विधानसभा का सत्र। 3 से 4 दिन में के लिए हो सकता है यह सत्र। मुख्तार अंसारी के 5 करीबियों समेत 6 लोगों के हथियारों का लाइसेंस निरस्त हुआ। सभी ने अवैध तरीके से लिया था हथियारों का लाइसेंस। मालखाने में जमा किए गए अवैध हथियार। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई 2 मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों पर हत्या की कोशिश के 6 से ज्यादा मामले हैं दर्ज। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। नोएडा के सेक्टर 83 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 अभियुक्त घायल। कैपको इलेक्ट्रो कंपनी से भारी मात्रा में तांबा, पीतल, अल्यूमिनियम और स्टील चोरी होने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने चोरी के राशन से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। इस ट्रक में रखे करीब 651 बोरे थे। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज में यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के घर के आसपास के मकानों को भगवा रंग में रंगा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई जबरन की जा रही है। विपक्ष ने बताया तानाशाही रवैया। खत्म हो सकता है नैनीताल का प्रसिद्ध भीमताल शहर का अस्तित्व। तो अपनी उम्र पूरी कर चुका है 140 साल पुराना डैम। कई जगहों पर आई दरार।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंगा को एस्केप चैनल घोषित करने वाले फैसले पर माफी मांगी। कहा सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के अनुसार जनहित में लिया था फैसला। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए एक बार फिर से पूरे बिहार में लॉकडाउन का जाल बिछाया गया है। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल। इमरजेंसी सेवाओं पर नहीं है कोई प्रतिबंध। जनता दल यूनाइटेड नेता अजय आलोक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पत्नी बेटी और बेटे को भी संक्रमण लिखा। बगैर लक्षण वाले कोरोना के कारण होम क्वारंटाइन में हो। मधेपुरा में विकास के दलदल में फंस गई विधायक जी की गाड़ी। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाली गई बाहर। सवाल पूछने पर बंद कराया कैमरा। बिहार में उफान पर नदियां। भागलपुर और सुपौल में कोसी नदी का कहर तो फारबिसगंज में परमान नदी में तबाही। पटना आईआईटी में भी कोरोना की दस्तक। 3 लोग संक्रमित। बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक। बिहार के मुंगेर में लॉकडाउन की जमकर उड़ रही हैं धज्जियां। बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। नालंदा में भी सड़क पर सरपट दौड़ रही हैं गाड़ियां। साहिबगंज में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर जिला प्रशासन सतर्क। फ्लैग मार्च किया गया। सबसे सोशल डिस्टेंसिंग रखने मास्क पहनने की अपील की गई। राजस्थान के पाली के प्रसिद्ध जलेरी माता मंदिर से चोरी चांदी के आइटम लेकर फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। तस्वीर के आधार पर पुलिस कर रही है चोर की तलाश। राजस्थान के चौमू में हुई बारिश से खुली विकास प्राधिकरण की पोल। अंडरपास पुलिया में भरा पानी। लोगों को भारी परेशानी। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 25,000 के करीब। सोमवार को 544 नए पॉजिटिव केस आए सामने। सबसे ज्यादा जोधपुर में 105 तो जालौर में 95 केस दर्ज हुए। राजस्थान के मुंडवा सहित आसपास के कई इलाके में टिड्डी दल का हमला। किसान खेतों में बर्तन बजाकर टिड्डी को भगाने की कर रहे हैं कोशिश। टिड्डी दल के हमले में कई एकड़ फसल भी बर्बाद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मां और बेटे ने पानी में कूदकर जान दी। आत्महत्या के कारणों का अभी नहीं चल पाया है पता। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के झुंझुनू में 90% ब्लाइंड प्रतिभा अग्रवाल ने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेंस एग्जाम में क्लियर किया है। छात्राओं के लिए प्रेरणा बनी प्रतिभा अग्रवाल। 2011 में अचानक चली गई थी उनकी आंखों की रोशनी। मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की सेहत में हो रहा है सुधार। 5-6 दिनों के बाद होगा कोविड का अगला टेस्ट। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। जम्मू में एडिशनल डीसी ताहिर फिरदौस ने यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। पेंडिंग काम को भी जल्द खत्म करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक का शव मिलने के बाद प्रदर्शन का दौर जारी। कोलकाता में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सीबीआई जांच कराने की मांग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 50 किलो गांजा बरामद किया गया है। गाजोल डोबा इलाके में पुलिस कार्रवाई में 5 गिरफ्तार भी हुए हैं। हरियाणा के सिरसा में लोगों ने टिड्डी दल से ली राहत की सांस। एन वक्त पर हवा का रुख बदला और टिड्डी दल राजस्थान की तरफ मुड़ गया। दवा छिड़कने से मारी गई 70% टिड्डियां। झारखंड के लातेहार में जेजेएमपी उग्रवादी मनोहर परहिया ने कार्रवाई बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह की हत्या। पुलिस का खुलासा। इलाके में धाक जमाने के लिए दी थी सुपारी। 4 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते दायरे ने बढ़ाई मुश्किल। रिम्स के कोविड वार्ड और सीसीएल अस्पताल में कम पड़े बेड तो पारस हॉस्पिटल में 55 बेड का कोविड सेंटर अभी खाली। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना के एएसआई को 7,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के एवज में ली गई रिश्वत। राजस्थान के कोटा में 2 अलग अलग जगहों पर जहरीले सांप निकलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे पर्यावरण प्रेमी गोविंद शर्मा ने दोनों सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। जम्मू के पुंछ बस स्टैंड को करीब 3.5 महीने बाद खोला गया। सरकारी परिवहन के साथ निजी बस संचालकों को दी गई इजाजत। सरकार ने सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन कर दिया है निर्देश।
पंजाब पुलिस ने पाक प्रायोजित ड्रग्स और आर्म्स स्मगलिंग ब्रैकेट का किया भंडाफोड़। बीएसएफ कांस्टेबल समेत चार आरोपी गिरफ्तार। 9mm पिस्टल, 80 कारतूस, 32 लाख की ड्रग मनी बरामद। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पूरे पंजाब में धारा 144 लागू। नई गाइडलाइंस में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध। सामाजिक मेलजोल में 5 से ज्यादा और या शादी में 30 से ज्यादा लोग इकट्ठे होने पर होगी FIR। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आलमबाग इलाके में रेलवे कॉन्ट्रैक्टर पर फायरिंग। ड्राइवर को लगी 2 गोलियां। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर लगाया हमला कराने का आरोप। 2 साल पहले खुद के अपहरण का नाटक करने वाले कारोबारी संजीव गुप्ता नोएडा से गिरफ्तार। कोर्ट में हाजिर न होने पर फिरोजाबाद निवासी कारोबारी पर था 10,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने और धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। प्रिंटर, मॉनिटर, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और फर्जी मार्कशीट बनाने के सामान बरामद। उत्तराखंड के सीमांत गांव में रह रहे लोगों को मिलेगी संचार सुविधा की सौगात। चमोली और पिथौरागढ़ के सीमांत गांवों के अलावा उत्तरकाशी और टिहरी के भी दूर दराज के गांवों में ग्लोबल सैटेलाइट फोन सर्विस हो रही है शुरू। पंजाब के फाजिलका जिले में बरसात की वजह से दौलतपुरा माइनर में आया बड़ा कटाव। तेज बहाव के साथ खेतों में फैल रहा है पानी, किसानों को सता रही है फसल की चिंता। असम के 23 जिलों में भयानक बाढ़। अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। NDRF की टीमों ने 1,000 से अधिक लोगों को बचाया। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाके में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। असम के कई जिलों के लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से यहां पर अब तक हो चुकी है 6 लोगों की मौत। कई गांव भी पानी में डूब गए हैं। बिहार में नदियों ने लिया रौद्र रूप। कई गांवों में घुसा पानी, फसलें भी तबाह। दरभंगा में बागमती पर बना पुल पानी में बहा। NDRF की 16 टीम अलग अलग जिलों में तैनात। बिहार के गोपालगंज में भारी बारिश के बाद गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों ने अपने घरों को छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। बिहार के मोतिहारी में दुधौरा नदी पर बना तटबंध टूटा। आधा दर्जन गांव पानी में डूबे। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मसान नदी ने धारण किया है विकराल रूप। रामनगर और बगहा के बीच बहने वाली मसान नदी उफान पर है। लोगों को हो रही है परेशानी। बिहार के फारबिसगंज में बारिश के कारण परमान नदी पूरे उफान पर। कई इलाकों के गांव में सड़कें पूरी तरह से टूटी और दर्जनों पंचायत का संपर्क सड़क से टूटा। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव। उस्मानिया अस्पताल के जनरल वार्ड में भी भरा पानी। मरीजों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट किया है कि दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है चीन। अमेरिका उसके इस दावे को कमजोर करने के लिए अपनी नीति और मजबूत करने जा रहा है। माइक पोम्पियो को चीन का जवाब। पोम्पियो का दक्षिण चीन सागर पर चीन का हक जताने का बयान गलत और बेबुनियाद। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रक्षा पर श्वेत पत्र को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जापान के कई द्वीपों पर चीन के दावे को बताया गलत। संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत ने हांगकांग के भविष्य पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि नए कानून को देखते हुए वे हांगकांग के भविष्य के लिए फिक्रमंद है। हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ तेज हो रही है आवाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया के राष्ट्रीय गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलने के खुद के लिए कसरत करने की तरह ही माना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हॉलीवुड में फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। कोरोना की महामारी की वजह से ये बंद थी शूटिंग। सेफ्टी गाइडलाइंस का हो रहा है पालन। अभी भी जारी है सुशांत के निधन की जांच। सुशांत के फैन ने की मांग, सुशांत के नाम पर हो बांद्रा के रोड का नाम। फैन ने इसके लिए आदित्य ठाकरे और बीएमसी कमिश्नर से मांग की। सुशांत की मौत को बीता एक महीना उसके चाहने वाले सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े पोस्ट लगातार कर रहे हैं शेयर। उनकी को स्टार संजना सांगी ने सुशांत को कुछ सपनों का जिक्र करते हुए पूरा करने की बात कही।
सुशांत सिंह राजपूत के निधन के एक महीने बाद रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि। एक लंबा इमोशनल पोस्ट लिखा, तुमने मुझे बताया कि कैसे मैथ्स के एक इक्वेशन से जिंदगी का मतलब समझा जा सकता है। दिल विचारे के डायरेक्टर और सुशांत के दोस्त मुकेश छाबड़ा ने किया दर्द भरा पोस्ट, लिखा एक महीना हो गया आज और अब तो कभी फोन भी नहीं आएगा तेरा।